ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजान नेगी, स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ छोटू को स्कूल छोड़ने के लिए, और छोटू भी स्कूल के लिए रेडी हो गया। हाय 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 हाय, गुड गुड गुड, चलो। अंशिका शिवांश लोग ना स्कूल जा चुके हैं, और छोटू को ना मैं अपने साथ ही हमेशा लेके जाता हूँ, क्योंकि आजकल ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि मतलब जो गाड़ियाँ वगैरह हैं इतना डर भी लगता है कि छोटे बच्चे ना कहीं ऊपर नीचे करते समय ना कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वैसे आजकल यात्रा ना जोर शोर से चल रही है, और दिन भर में पता नहीं कितनी गाड़ियां ना यहाँ से जो आपका तुंगनाथ हो गया और बद्रीनाथ का हाईवे, इसी रूट पे वैसे मैं रहता हूँ। और बाकी यहाँ से जस्ट मतलब उखीमठ जाओ तो उसके बाद केदारनाथ वैली लग जाती है। ये अभी दिन के लगभग 12:30 हो रहा है, और मेरी भी दुकान जाने की तैयारी हो रही है। अब जस्ट अभी मैं घर आया था, और इसके बाद फिर से मैं दुकान निकल गया। और अभी बारिश ना, थोड़ी देर पहले बारिश भी हल्की फुल्की, और अभी इतनी तेज हवाएं चल रही हैं मतलब सारे जितने भी ये पेड़ हैं सारे ऐसे हिल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि अभी टूट ही जाएंगे। और बाकी मौसम पूरा ना बारिश वाला बना हुआ है। वैसे ही कल शाम के टाइम पे भी ना इतनी तेज़ बारिश हुई ना कि मतलब कुछ देर तक हुई पर इतनी ज़्यादा हुई, और वैसे ही साथ साथ में ना ओले वगैरह गिरने स्टार्ट हो गए थे। मौसम ने कुछ ज़्यादा ही हद कर दी, और जब से मतलब बाबा केदार के कपाट खुले हैं उस टाइम से अभी तक लगभग कंटिन्यू ऐसे ही मौसम ख़राब है और बारिश वगैरह है। यहाँ तो बारिश वगैरह हो जाती है पर केदारनाथ में बारिश का सीन ही होता है, सीधे ना स्नोफॉल ही हो जाता है। बाकी अभी वहाँ पे जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले दोस्त लोगों को कॉल किया तो वहाँ पे अभी भी ना स्नोफॉल हो रहा है। और ये महीना जो चल रहा है ये चल रहा है आपका मई का, मई में भी बर्फबारी केदारनाथ में ना कंटिन्यू जारी है। और आजकल अपने पास एक्सपल्स है तो आजकल मैं लगभग एक्सपल्स को ही चला रहा हूँ, कुछ टाइम तक इसी को चलाऊंगा, बाद में देखता हूँ भाई क्या सीन होता है अपना। और वैसे जस्ट अभी इससे पहले ना बारिश वगैरह चल रही थी, और अभी जस्ट ना धूप लग गई। पहाड़ों के मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता कि कब बारिश हो जाए और कब धूप निकल जाए। वैसे जो हवाएं चल रही हैं इतनी तेज तेज ना, इनसे मतलब ये कहते हैं कि जब हवाएं चलती हैं तो बारिश वगैरह ना रुक जाती है, और फाइनली धूप लग चुकी है। से बारिश शुरू होने बैठ गई है, और इस साइड का जो मौसम है ना इस साइड ठीक है पर इस साइड का थोड़ा ऐसे ही सीन है, तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। बाकी ये साइड सनसेट बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। मौसम का ना कोई भरोसा नहीं होता है कि कब बारिश हो जाए और कब धूप निकल जाए। जैसा अभी थोड़ी देर पहले ना बारिश का मौसम बना हुआ था, और अभी जस्ट ना
प्यारी सी धूप लगी। अभी जस्ट मैं आए हूँ उषाढ़ा विलेज पे और आप लोगों को चोपता के रोड पे मतलब ढेर सारे होटल्स, कैफ़े, बहुत सारे कैंप साइट वगैरह मिलती रहेंगी। आप लोग अगर यहाँ पे विजिट करते हो तो आप लोगों को मतलब किसी भी टाइम पे रूम्स वगैरह ना अवेलेबल हो जाएंगे। तो भाई मैं भी घर पे पहुँच ही गया और पहुँचते ही चाय वगैरह पीने के बाद ना मैं भी अपने रूम पर आ चुका हूँ। तो मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। मिलते हैं जल्दी से किसी नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।